एग्जाम्पल्स ऑफ सरफेस टेंशन, एग्जाम्पल ऑफ सरफेस टेंशन में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ये लेते हैं। पहले आप एक काम करें, ये एक जो फ्रेम है, सर्कुलर रिंग है ये बेसिकली, और आपने देखा होगा कि वो मार्केट में जाओ तो वो बबल्स, वो साबुन के अंदर, सोप लिक्विड के अंदर वो डालो, इस फ्रेम को डालो और एयर ब्लो करो तो बबल्स निकलते हैं। छोटे बच्चे लेते भी हैं कि हमें लेना है। आजकल वो गन भी आई हुई है, सेल के साथ चलती है, पर पहले ज़माने में ऐसा होता था। वो आज भी करो, कर रिंग को डालो, सोप की फिल्म आ जाएगी, आप ब्लो करोगे तो बबल्स निकलते हैं। तो चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। तुमने एक रिंग लिया, उस रिंग को साबुन के अंदर डुबो लिया, तो ये सरफेस की फिल्म आ गई, पिंक कलर की पूरी जो है साबुन की फिल्म आ गई। बहुत पतली फिल्म होती है, ये टूट भी सकती है बहुत जल्दी, पर अभी टूटी नहीं। तुम एक धागा लो, राउंड कोई भी धागा लो, रैंडम शेप का, कोई सर्कल की जरूरत नहीं है, एक धागा लो, इसको सोप फिल्म में डुबो लेना, मतलब इसको गीला करके रखना है, सोप फिल्म के मॉलिक्यूल लगे होने चाहिए इसके ऊपर। बहुत ध्यान से इसके ऊपर रख दो, जो फ्रेम है उसमें जो साबुन की फिल्म है उसके ऊपर ये धागे को रख दो। इस तरीके से रखना कि वो टूट ना जाए। टूट गई, एक्सपेरिमेंट फिर रिपीट करना, कभी तो सक्सेसफुल हो ही जाओगे और कभी तो रख ही दोगे। चलो आपने रख दिया, तो आपने ये सोच रहे होंगे ये धागे को सोप फिल्म में डुबो के क्यों रखा, ताकि एग्जिस्टिंग सोप फिल्म को ये ना पता लगे कि धागे के नए मॉलिक्यूल्स आ गए, तो कहीं ना कहीं उनकी इंट्रैक्शन स्टार्ट हो सकती है। तो मैंने जानबूझ के गीला रखा सोप फिल्म के साथ, ताकि सोप फिल्म को ये पता लगे कि जो धागा है उसके ऊपर भी सोप फिल्म के मॉलिक्यूल्स हैं, यानी एक जैसे मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये रख दिया आपने, एक पिन लें, पिन से इसको प्रिक करें, इसमें होल कर दें। अब ये फिल्म टूट जाएगी अंदर से और सिर्फ बाहर बाहर रह जाएगी। तो टूट गई और बाहर बाहर फिल्म रह गई। अब जब ये फिल्म बाहर बाहर रह गई, तो अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है, एयर के कॉन्टैक्ट में है, ये अपने एरिया को क्या करेगी, मिनिमाइज, और थोड़ी देर में देखना इसकी शेप चेंज हो जाएगी, सर्कुलर हो जाएगी, क्योंकि हर तरफ से फोर्स लग रही है और एरिया क्या होता जा रहा है, छोटा छोटा छोटा, जहां पे बड़ा है वहां भी छोटा होता जा रहा है, और थोड़ी देर में ऐसी शेप हो जाएगी। ये शो करता है कि कोई भी सोप फिल्म जब एयर के कॉन्टैक्ट में अपने एरिया को क्या करती है, मिनिमाइज, और यही प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन की। क्लियर है यहां तक? ये पहला एक्सपेरिमेंट है, तो पॉइंट समझ में आ रहा है, मतलब इसकी शेप तो पक्का चेंज होनी ही है। इसका मतलब ये शो करता है, मैंने तो जगह हाथ नहीं लगाया, इसका मतलब अंदर सरफेस टेंशन की फोर्स इसके ऊपर एग्जिस्ट करती है। दूसरा एग्जाम्पल, जब एक आप पेंटिंग ब्रश लेते हैं, तो जब आप पानी में डालते हैं तो इसके जो हेयर हैं वो एकदम आराम से तैर रहे होते हैं, उड़ रहे होते हैं, मतलब तैर रहे हैं, सही है। जैसे ही बाहर निकालते हैं एयर में, ये चिपक गए, एकदम चिपक जाते हैं। ऐसा क्यों? वो इसलिए कि जब ये लिक्विड में है तो इसके आसपास लिक्विड ही लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, सब पे नेट फोर्स क्या है, जीरो। जैसे इस ब्रश को आपने बाहर निकाला तो इसके अंदर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन इसके बाहर कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, एयर के मॉलिक्यूल्स हैं। अब लिक्विड लिक्विड की जो फोर्स होती है वो तो बड़ी होती है, तो अंदर की तरफ फोर्स स्ट्रांग हो गई, एयर नहीं खींच पाई, टाइट हो गया, तो पानी पानी ने एक दूसरे को ज्यादा फोर्स लगा दिया और ये टाइट हो गया, और बाहर क्या है, एयर, वो नहीं खींच पाई। ठीक, कोई डाउट इसमें? देखो ऐसा है ना, अंदर लिक्विड ही लिक्विड है, अंदर इसके लिक्विड ही लिक्विड है, ठीक है, और बाहर एयर है, तो एयर नहीं खींच पाएगा, लिक्विड लिक्विड खींच पाएगा। क्योंकि जब आप इसके लिक्विड के अंदर हो, अंदर पानी घुस गया, बाहर भी पानी है, तो पानी पानी की नेट फोर्स तो जीरो होती है ना, लेकिन बाहर तो एयर आ गई, एयर तो फोर्स नहीं लगा पाई, अंदर का ये गीला है तो गीला गीला तो चिपक गया सारा, तभी तो गीली सरफेस चिपक जाती है, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, क्योंकि एयर लगा नहीं पाती फोर्स। सही, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल है कि रेन ड्रॉप्स आर जनरली स्फेरिकल इन शेप, पानी की जो बूंदें जितनी छोटी होगी उतनी स्फेरिकल होगी। रीजन, क्योंकि लिक्विड की ये जो लिक्विड का ड्रॉप है, अंदर वाटर ही वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं और बाहर क्या है, एयर, और अपने सरफेस एरिया को क्या कर रहे हैं, मिनिमाइज, जिस वजह से ये इसकी शेप क्या होगी, स्फेरिकल। और अगर थोड़ा बड़ा ड्रॉप होगा तो थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, क्योंकि वेट या ग्रेविटी की वजह से ये थोड़ा लंबा हो जाएगा।
ज़्यादा पानी आता है ग्रेविटी का इफेक्ट आ जाता है, इसमें ग्रेविटी निगलेक्टेड है, छोटे में ग्रेविटी का इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना बड़े में पड़ेगा। इसलिए आपने एक आयरन लिया, आयरन को पिघला लिया गर्म है और उसकी बूंदें पानी में डाल दी, तो वो ऑटोमेटिकली जो शेप एक्वायर करेंगी वो स्फेरिकली होंगी सेम, क्योंकि आयरन आयरन की फोर्स बहुत बड़ी है और बाहर क्या है वाटर है, आयरन वाटर की फोर्स छोटी है, तो आयरन अपने एरिया को क्या करने की कोशिश करेगा मिनिमाइज, और शेप क्या एक्वायर कर लेगा स्फेरिकल। सेम एक्सप्लेनेशन है। और सिर्फ यही नहीं, आप इस चीज़ को देखें, सपोज करो आपके पास ये एक मान लो लिक्विड की सरफेस है जो मेम्ब्रेन की तरह काम कर रही है, इसमें सरफेस टेंशन है। आप गए, आपने एक नीडल, सिलेंड्रिकल नीडल को इसके ऊपर रख दिया, नीडल पानी में डूब जाती है, आर्कोनीस से सीखा था, पर आपने इतना जेंटली प्लेस किया कि पानी के मॉलिक्यूल हिले तक नहीं, नीडल को रख दिया। अब नीडल तैर नहीं रही, नीडल क्या करेगी, इस मेम्ब्रेन को कुछ ऐसे प्रेस कर देगी, कुछ इस तरीके से दबा देगी, मॉलिक्यूल थोड़े से दब जाएंगे। अगर तुमने इस पानी को हिला दिया देखो, फिर तो डूब जाएगी, क्योंकि ये तो क्योंकि मॉलिक्यूल नीचे से टाइट हैं और नीडल को सपोर्ट कर पा रहे हैं, तो नीडल टिकी हुई है, तो ऑब्वियस ये टिकी हुई है, तैर नहीं रही। मैंने फिर कह रहा हूँ, ये मत कहना कि सर ने कहा था नीडल तैरती है, बिल्कुल नहीं तैरती, ये टिकी हुई है मॉलिक्यूल्स के ऊपर। ठीक, अब क्या हुआ, इसका वेट क्या कर रहा है, नीचे एक्ट कर रहा है और नीडल को नीचे लेके जाने की कोशिश कर रहा है। अब अगर आप बात करते हो फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन की, तो ये एक मान लो लिक्विड का मॉलिक्यूल कंसिडर कर लेते हैं, इसके पड़ोस का मॉलिक्यूल यहां पर होगा लिक्विड का, तो ये इसे कहां फोर्स लगाएगा, इस तरीके से, दिस इज फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। लिक्विड का मॉलिक्यूल लिक्विड के मॉलिक्यूल को अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है, कहां लगा रहा है, आप एक टेंजेंट ड्रॉ करो आपके पास फोर्स मिलेगी, और ऐसी वो ये मॉलिक्यूल इधर से भी अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो टेंजेंट ड्रॉ करो ये फोर्स मिलेगी। अब ये दोनों फोर्सेस इसलिए एग्जिस्ट कर रही हैं क्योंकि सरफेस टेंशन है, दिस इज दीज टू फोर्सेज आर ड्यू टू सरफेस टेंशन। अगर सरफेस टेंशन ना होती तो दोनों फोर्सेज जीरो हो जाती। अब दोनों सरफेस टेंशन यहां काम कर रही हैं, इनका अगर मैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से लूं तो नेट फोर्स ऊपर एक्ट करेगी, जो किसको बैलेंस कर रही है, नीडल के वेट को, तो वेट को बैलेंस कर रही है, तो नीडल किस पे है, एट रेस्ट। पर मैं फिर कह रहा हूं ये तैर नहीं रही, लिक्विड डिस्प्लेस नहीं कर रही, ये मेम्ब्रेन को थोड़ा सा इसने बेंड कर दिया बस, दैट्स इट, कि टिक गई है मॉलिक्यूल के ऊपर और कुछ नहीं है इसमें। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक, तो नीडल इसके ऊपर टिक सकती है लेकिन तब जब इसमें प्रॉपर सरफेस टेंशन हो और ये मेम्ब्रेन की तरह काम करे। सिर्फ नीडल ही नहीं, आपने देखा होगा खड़े हुए पानी में मॉस्किटोज बैठ जाते हैं, आराम से बैठे रहते हैं, डूबते नहीं, मच्छर को तैरना थोड़ी ना आता है कि वो पानी डिस्प्लेस करेंगे और तैर जाएंगे, चलते पानी में मर जाएंगे, डूब जाएंगे, खड़े पानी के ऊपर बैठ जाते हैं आराम से। क्यों, क्योंकि लिक्विड की सरफेस एक्ट्स लाइक अ मेम्ब्रेन। सोचो ये लिक्विड की सरफेस थी प्लेन, एक मॉस्किटो आके बैठ गया, एक इंसेक्ट आके बैठ गया, तो क्या हुआ, उसने पैर रखा, ये पहला पैर और ये दूसरा पैर, दोनों पैर रख के बैठ गया, तो मेम्ब्रेन ऐसी शेप एक्वायर कर गई। अब ऐसी शेप में सरफेस टेंशन की फोर्सेस कहाँ करेंगी, ऊपर, यहां भी कहां एक्ट करेगी, ऊपर, और ये इंसेक्ट के वेट को क्या कर जाएंगी, बैलेंस। ठीक, पॉइंट क्लियर है यहां तक, तो नेट फोर्स सरफेस टेंशन की कहां एक्ट करेगी, ऊपर, और किसको बैलेंस करेगी, वेट ऑफ इंसेक्ट को, मतलब मच्छर को तैरना नहीं आता पर वो आराम से मॉलिक्यूल, टाइट मॉलिक्यूल पे जाके बैठ जाता है और उसका पूरा फायदा उठाता है। ठीक, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक। ठीक, तो ये पहला एग्जाम्पल इसमें लिखा हुआ है, ये रहा, ये नीडल वाला मैंने समझा दिया, थ्रेड वाला मैंने समझा दिया, रेन ड्रॉप वाला हो गया, मरकरी ड्रॉप्स आर स्फेरिकल, मरकरी तो पक्का स्फेरिकल है, तो मरकरी के ड्रॉप को तोड़ के देख लो, छोटी छोटी गोलियां बन जाएंगी मरकरी की, और तोड़ो छोटी गोलियां बनेंगी मरकरी की, मरकरी मरकरी की फोर्स तो जबरदस्त है, मतलब आप तो उसको जाके मरकरी को तोड़ोगे भी ना, ऐसे लिक्विड उसके छींटे गिरेंगे वो भी स्फेरिकल है, मरकरी मरकरी की इतनी स्ट्रांग फोर्स है कि तुम अपना हाथ भी मरकरी में डाल लो तो हाथ गीला नहीं होगा, क्योंकि आपका हाथ मरकरी के मॉलिक्यूल एक भी मॉलिक्यूल को खींच नहीं पाएगा, मरकरी मरकरी को खींच लेगी। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक, तो मरकरी के ड्रॉप स्फेरिकल ही बनेंगे क्योंकि बाहर एयर उसको बिल्कुल नहीं टच कर पाती, खींच ही नहीं पाती, मरकरी मरकरी को खींच पाती है और एरिया मिनिमाइज होने के चक्कर में स्फेरिकल बन जाते हैं।
तो ये मैंने समझा दिया हेयर पेंटिंग ब्रश, और ये बग वाला समझा दिया, ये बग के पैर हैं, इंसेक्ट के पैर हैं, और ये डायग्राम, ये इसका मुंह है, इसको मत देखो, ये फिजिक्स का कोई लेना देना नहीं इससे, इसकी शक्ल कैसी है। अब ये देखो ये मेम्ब्रेन कैसा है, अपने इंसेक्ट की शक्ल का क्या करना है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन है।